हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में काइट फाइटिंग करने वाले हैं। ये देखिए ये वाला मांझा इसे, ठीक है ना, ये वाला मांझा है राशिद खान का, जो कि मैंने मंगवाया था, ठीक है। तो टूर्नामेंट विनर मांझा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इससे हम काइट फाइटिंग करके आपको दिखाएंगे, और यहाँ जितने भी प्लास्टिक के लोकल मांझे उड़ते हैं आज उनकी पतंग काट के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, हमारी करती है उनकी करती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कर रहा है भाई पतंग में करने, तो पतंगबाज होने वाली है ये, ठीक है। तो ये है फहीम भाई की पतंग, टूर्नामेंट वाली पतंग उड़ाएंगे आज हम इससे, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके कन्वेन्ने कर लें दो, फिर आपको दिखाएंगे। आज है दोस्तों सामने की हवा, तो काफ़ी पतंगबाजी हो रही है, दूर दूर पतंगबाजी हो रही है, तो आपको नहीं दिखेगी। तो चलिए दोस्तों आपको डायरेक्ट पैसे दिखाते हैं, ठीक है। चलो भाई तो दोस्तों ये है भाई राशिद खान का मांझा, तो आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं आपके सामने, ठीक है ना। पहले भी मैंने इसकी टेस्टिंग दिखाई थी आपको, आपने काफ़ी प्यार दिया था उस वीडियो पे। तो दोस्तों ये है, ठीक है। तो साइड में रखते हैं इसको, जो इसका ब्लॉग है साइड में रखते हैं, ठीक है। तो आज इसको भाई आपको टेस्टिंग आज इससे काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन मांझा है राशिद खान का, ठीक है। पूरा ऊपर तक भरा हुआ है 12 रील। चलिए दोस्तों आप देर नहीं करते, ठीक है, तुरंत दिखाते हैं आपको, चलिए। तो दोस्तों सामने की हवा है और पतंग कर दी है हमने पार। तो भाई मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, और सामने का लुक बताना दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसी हवा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इतनी होनी चाहिए आज, ठीक है ना, क्योंकि नेट पे दिखा रहा था, लेकिन भाई उस हिसाब से नहीं है। क्या पता दोस्तों थोड़ी देर में चल जाए। और भाई राशिद खान का मांझा जितनी बार मैं यूज़ कर रहा हूँ उतनी बार मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। भाई प्लेयर के ऊपर ही बात हो जाती है जो ट्रिक के साथ में काटते हैं पतंग, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हम टूर्नामेंट वाली काइट उड़ा रहे हैं, और चलिए पैंच उड़ा के दिखाते हैं। चलो भाई। तो भाइयों अब आ गया है भाई हमारा पहला वाला पैंच। तो दोस्तों ये देखिए सामने की तरफ आपको रेड सर्कल में मेरी पतंग देखने को मिल रही है, और ये जो नीचे से उठ के हुई आई है ब्लू सर्कल में, ये अपोनेंट्स की पतंग है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं ये वाला पैंच कैसा होता है कैसा नहीं होता, क्योंकि ये जो मांझा है ये भाई ढील में भी काम करता है राशिद भाई का मांझा, और खींच में भी काम करता है। लेकिन अपोनेंट्स ने मेरे ऊपर से पैंच डाल दिया दोस्तों, क्योंकि मैं उसके नीचे से था, ठीक है ना, और उसने ये ढील का पैंच बना दिया अपनी पतंग में। दोस्तों कंटिन्यू चक्कर डालने, अगर आपके कोई पीछे से पैंच लड़ा रहा है तो भाई कंटिन्यू चक्कर पहले से स्टार्ट रखने हैं आपको। ये देखिए दोस्तों उसकी पतंग बुरी तरीके से लटक गई है, ठीक है, अभी पता नहीं वो क्या करने वाला है। और दोस्तों ये देखिए क्या जोश में भरता हुआ उसने खींचा है भाई, नीचे से खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, और खींचता हुआ चला गया भाई, चला गया वो मारा साला लगा तू साफ। तो दोस्तों बहुत से भाई गलती करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो यही गलती करते हैं, और वो रही अपनी पतंग आसमान में शहनशाह की तरह उठती हुई, वो मारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट मैच में सीखेंगे कि आगे वाले अपोनेंट्स की पतंग हम खींच में कैसे काट सकते हैं। तो यही वाला पैंच मैं आपको आगे वाली वीडियो में सिखाऊंगा, और जरा आप सीखेगा कि मैंने वो वाली पतंग कैसे काटी। तो चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों ये वाला पैंच जरा ध्यान से देखिएगा, रेड सर्कल में मेरी पतंग आगे वाली, ऊपर वाली अपोनेंट्स की है ब्लू सर्कल में। जब आपको ऐसा लगे कि ऊपर वाला अपोनेंट्स आपके डोर की तरफ आ गया, तो भाई कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा खींच देना है, और टच करते ही जाएगी वो मारा। यही चीज मैंने सिखाई है दोस्तों, चाहे मांझा कोई सा भी हो आप ये ट्रिक यूज करो तो भाई टच करते ही जाएगी, शाबाश। तो दोस्तों ये रेड सर्कल में पतंग मेरी है और ब्लू सर्कल में अपोनेंट्स की पतंग है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल सिर पे खड़ा हुआ है, तो भाई ऐसे में हम खींच कैसे मारे, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन पूछते लोग। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल उसके अंदर की तरफ घुसना है, ठीक है ना, और उसके कन्नों से कम 10 हाथ पीछे से खींच मारनी है। और यही मैंने करा, देखिए किस तरीके से उसकी चाकू की तरह पतंग काट दी। तो भाई अगर आप ऐसे ही खींच मारोगे, जानदार खींच मारोगे, तो दोस्तों कोई भी पानी नहीं मांगेगा, चाहे आप कैसे ही मांझा यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना भाई। ये देखिए ये रेड सर्कल में पतंग मेरी है आगे वाली, और ब्लू सर्कल में अपोनेंट्स की है पीछे वाली, ठीक है ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ये मेरे ऊपर आ जाए, हल्का सा ऊपर जाए, तो भाई इसको भी सूत दिया जाएगा अच्छे तरीके से। और इसकी डोर आती हुई दोस्तों ये देखिए अपनी पतंग मैंने थोड़ी सी घुमाई, मोटा तिरछा किया, और ऊपर आता हुआ खींच दिया है भाई, सीधा खींच दिया है, खींच दिया है, खींच दिया है, खींच दिया है, वो मरा लगा तो शाबाश। तो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा फिल्टर चेंज कर दिया, ये ऊपर वाली पतंग रेड सर्कल में मेरी है और नीचे वाली ब्लू सर्कल में अपोनेंट्स की है। ये मैंने अपोनेंट्स के ऊपर रखा हल्का सा, और चक्कर दिया, जरा सा ही चक्कर दिया, छूते ही साफ भाई, छूते ही साफ, वो मरा। आज तो पार्टी करेंगे, दबा के इतनी पतंग काट दी भाई ने, वो मरा। दोस्तों अभी मैं आपको ढील के पैंच दिखाता हूँ, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है ना। तो ये ब्लू सर्कल में अपोनेंट्स की है, रेड सर्कल में मेरी पतंग है, अपोनेंट्स के बिल्कुल ऊपर से हूँ मैं, और ऊपर रख के चक्कर दे दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या लाजवाब पैंच हुए है। और ये देखिए दोस्तों प्लास्टिक को काटता हुआ राशिद खान का मांझा, वो मरा शाबाश।
दोस्तों एक पैंच और दिखाते हैं आपको ढील का ही। ये जो पतंग घूम रही है रेड सर्कल में, ऊपर से मैं हूँ, ठीक है, नीचे से अपोनेंट्स है, मैं चाह रहा हूँ दोनों के में ही हो जाए, लेकिन उस वाले ने नीचे वाले ने निकाल लिया, अपनी पतली गली से निकाल के ले गया। और ये देखिए बच्चे, ये भाई ऊपर से रख के चक्कर दे दिए बहुत अच्छे तरीके से अपोनेंट्स के। अब देखते दोस्तों कितना बेहतरीन पैच होता है, ये देखे दोस्तों वो मरा लगा तू। तो दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आपकी पतंग बहुत अच्छी है टूर्नामेंट वाली, अच्छा मांझा यूज़ कर रहे हो, तो भाई ऊपर से पैंच जरूर लड़ाया करो, ठीक है ना। ऊपर से बस चक्कर देते रह करो, अपनी पतंग टाइट रखा करो। तो दोस्तों ये रेड सर्कल में पतंग मेरी रही और ब्लू सर्कल में अपोनेंट्स की पतंग है, तो भाई मैं हूँ ऊपर से, अपोनेंट्स हैं नीचे से। ये देखिए मैंने पहले से ही अपने चक्कर दे दिए, लेकिन ये भाई पतंग मैं बिना चक्कर के काट के दिखाऊंगा आपको। बहुत से भाई बोलते बिना चक्कर के पतंग कैसे काटे, तो भाई ये देखिए अपनी पतंग को टाइट रखनी है, और अपनी पतंग को टाइट रखने के साथ साथ में ढील बराबर छोड़नी है, और अपोनेंट्स की पतंग कटती हुई आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है। ये बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों आप देख लिया आपने राशिद खान के मांझे के पैचे, तो दोस्तों वाकई में ये जबरदस्त चीज़ है, ठीक है ना। दोस्तों मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया साले मांझे से, मैंने दो बार उड़ाया, तो पहली बार तो उसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया था, और अब की बार भी खतरनाक रिजल्ट है दोस्तों इसका, ठीक है ना। आप इसको ढील में यूज़ करिए, खींच में यूज़ करिए, कैसे यूज़ करिए, भाई मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। दोस्तों पैचे बताना पैचे कैसे लगे आपको, ठीक है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय भारत।